हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हमारे कुकिंग चैनल राज कुकिंग रेसिपीज 23-15 में। और आज हम बनाएंगे मूली की भाजी। हमने मूली की भाजी या भुर्जी बहुत खाई है, लेकिन आज हम बनाएंगे मूली और मेथे की भुर्जी। और इसके लिए हमने क्या क्या लिया है? हमने लिया है मेथी, मैंने पत्तियां तोड़कर धोकर रेडी कर ली, 2 प्याज और 3 मूली, 2 हरी मिर्च। और अब हम अपनी मूली को कद्दूकस कर रेडी करेंगे और फिर हम बनाएंगे अपनी सब्जी की रेसिपी। अपना कद्दूकस ग्रेटर ले लिया है, आप चाहो तो ये बड़े वाले मोटे वाले में कद्दूकस कर सकते हो, लेकिन मैं ये छोटे वाले में करूँगी। और हम अपनी मूली कद्दूकस करके अब करेंगे रेडी। हमें मूली अच्छे से ग्रेट कर लेनी है। और व्यूवर्स, इसमें हमें मूली का पानी निकालने की या मूली को निचोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी सब्जी बनानी है। तो जब हम मूली को कुक करेंगे तो इसका पानी धीरे धीरे अपने आप सूख जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने पूरी मूली तीनों की तीनों ग्रेट कर रेडी कर लेनी है। देखिए, हमारे मूली के लच्छे अच्छे से रेडी हो रहे हैं, ना तो ये ज़्यादा मोटे हैं और ना ही पतले। इसी तरह हम दूसरी मूली को भी ग्रेट कर रेडी कर लेंगे। देखिए व्यूवर्स, हमारी मूली पूरी तरह से ग्रेट होकर रेडी है, तैयार है। और अब हम अपनी सब्जी बनाएंगे। तो व्यूवर्स, हमारी कढ़ाई हमने गर्म कर ली है, अब हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल। मैं हर सब्जी में बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ, आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हो। और अब हम अपना ऑयल गर्म होने तक वेट करेंगे। ऑयल हमारा धीरे धीरे गर्म हो रहा है, मैंने जस्ट 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डालेंगे, मैंने ये मसाला पीस कर रखा था, मैंने साबुत धनिया, जीरा और सौंफ का, तो मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच। और फिर हम डालेंगे इसमें अपना प्याज, हम अपना गैस का आंच स्लो फ्लेम पे मीडियम पे रखेंगे। हम अपने प्याज को हल्का सा भूनेंगे। तो व्यूवर्स, हमारा प्याज हल्का सा भुन चुका है, हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच और 1 मिनट के लिए और भुनेंगे। व्यूवर्स, मेरी रेसिपीज बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से होती हैं, मैं ज़्यादा
कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों तक अपनी रेसिपीज पहुँचाऊँ, ताकि किसी को भी, जो न्यू कमर्स हैं लड़कियाँ जिनको लगता है कि हमें सब्जी बनाना सीखना है, तो उनके लिए कोई परेशानी ना हो, उनको लगे ना कि हम इतना कुछ कैसे करेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से रेसिपीज शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो हमारा प्याज भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अपनी मूली जो हमने कद्दूकस करके रखी थी। मसाले हम अपने सब एक साथ डालेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से रेसिपी बता रही हूँ। अब हम अपनी मूली को हल्का सा भूनेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मेथी के पत्ते। ऐसे ही हमें मूली को हल्का सा सेक लगाकर भून लेना है। तो व्यूवर्स, हमारी मूली हल्की सी भूनकर साइज में कम हो चुकी है, मींस हमारी मूली हल्की सी भून चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी मेथी, ऐड करेंगे। मेथी को मैंने कुछ काटा नहीं, कुछ नहीं, मैंने पत्तियां हल्की सी इसकी डंडियों के साथ तोड़ ली और इनको धो के वॉश करके रेडी कर लिया। और अब हमारी मूली और मेथी हम पकाते रहेंगे, 10 मिनट में हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। हल्का सा हम इसको चलाने के बाद शामिल करेंगे हमारे मसाले। तो व्यूवर्स, हमारी मूली और मेथी हल्की सी भुन चुकी है, हम इसमें ऐड करेंगे हल्की सी हल्दी आधा चम्मच, मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आधा चम्मच डाली है, और नमक आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, एक चम्मच के करीब, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए इसको पकाएंगे। तो व्यूवर्स, मैंने ऑयल भी बिल्कुल कम यूज़ किया है, मसाले मैंने बिल्कुल नॉर्मल जो हर सब्जी में पड़ते हैं वो यूज़ किए हैं, अलग से मैंने कोई स्पेशल मसाला यूज़ नहीं किया। और मैं इसको बिना पानी डाले मूली के पानी में ही पकाऊंगी। और आप भी बनाना और देखना कितनी हमारी टेस्टी ये मूली और मेथी की भाजी भुर्जी बनकर तैयार होगी। अब मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूंगी अपने मसाले, हमारे मिक्स हो चुके हैं, और मैं इसको ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए पका दूंगी। लगाएंगे ढक्कन और इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए, और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे और सब्जी को चलाएंगे एक दो बार। तो व्यूवर्स, अब हम चेक करेंगे अपनी सब्जी। और हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है,
और लास्ट में हम इसमें डालेंगे हल्का सा गरम मसाला आधा चम्मच, आप इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जैसे हम मूली की भुर्जी बनाकर खाते हैं, भाजी बनाकर खाते हैं, तो अगर आप मेथे और मूली की खाओगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। और इसका हम डबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारी भाजी बच भी जाए तो हम इसको अपने परांठों में, रोटी में डालकर परांठे बनाकर खा सकते हैं। आटे में गूंदकर भी इसकी बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं। तो हम अपनी सब्जी को हल्का सा सेक और लगवाएंगे, ताजो हमें हमने जो मसाला डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और वो भी हल्का सा भुन जाए। तो व्यूवर्स, हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी है। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से बन गई है और अब हम अपनी सब्जी को एंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ, परांठों के साथ, कैसे भी। और